वो श्वेता झा और इस वक्त हमारे साथ हम तीन सहयोगी यहाँ पर हमारे मौजूद हैं। यहाँ पर मीनाक्षी कंडवाल भी है, नेहा बाथम भी है। हम तीनों स्टूडियो से आपके सामने अगले एक घंटे तक हाजिर होंगे और बड़ी खबर कोरोना अपडेट से लेकर लॉकडाउन की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आज आपको बताएंगे कि किस तरह से धार्मिक स्थलों के सोने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसके अलावा मजदूरों को लेकर भी किस तरह से समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। नेहा, बिल्कुल निशाना धार्मिक स्थल की दान पेटी तक पहुंच गया है। अशोक चव्हाण ने ये जो बयान दिया है, हालांकि इसको लेकर अब सियासी संग्राम मचना तय है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पृथ्वीराज चव्हाण, उनके धार्मिक ट्रस्ट से सोना लेकर देश को बांटने की बात कही है, लेकिन उनके बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने पूछा है कि किस तरीके का बयान है जिसमें धार्मिक ट्रस्ट से पैसा लेने की बात कही जा रही है। मीनाक्षी, और जब बीजेपी ने इस मामले को लेकर रिएक्शन देने शुरू किए तो ये भी पूछा कि पृथ्वीराज चव्हाण सिर्फ मंदिरों की बात क्यों कर रहे हैं और क्या पूरी कांग्रेस पार्टी की यही सोच है। तिरुपति मंदिर 9000 किलो सोना, जगन्नाथ मंदिर 150 किलो सोना, शिरडी साईं मंदिर 376 किलो सोना, सिद्धि विनायक मंदिर 160 किलो सोना, वैष्णो देवी मंदिर 1.2 टन सोना। ये आंकड़े जानकर आपके होश उड़ गए होंगे, लेकिन ये 100% सच है। देश के मंदिरों में ऐसे ही सोने की बारिश होती है। भगवान जब भक्तों की झोली भरते हैं तो भक्त भी अपने भगवान पर सब कुछ निछावर कर देता है। धार्मिक स्थल में पांव रखते ही भक्त दानी बन जाते हैं, भगवान के भंडार भर जाते हैं। कोई सोने का मुकुट चढ़ाता है तो कोई सोने के सिक्के, कोई सोने की मूर्ति तो कोई लाखों करोड़ों का चेक चढ़ावे के नाम कर देता है। यूं समझ लीजिए कि इन मंदिरों के ट्रस्ट के पास कुबेर का खजाना है, वो खजाना जो किसी भी देश को मुसीबत से बाहर ला सकता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कोरोना के संकट में गोल्ड के इस्तेमाल की बात कही। पृथ्वीराज चव्हाण ने ट्वीट कर लिखा, देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने की कीमत वर्ल्ड गोल्ड CLC के अनुसार कम से कम $1 ट्रिलियन है। सरकार को इस सोने का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। इस आपातकालीन स्थिति में सोने को कम ब्याज दर पर सोने के बॉन्ड के माध्यम से उधार लिया जा सकता है। पृथ्वीराज चव्हाण के सोने वाले बयान पर बीजेपी ने सियासत का गोल्डन चांस तलाश लिया है। कांग्रेस नेता ने धार्मिक स्थलों के सोने का राग छेड़ा तो बीजेपी ने 24 कैरेट वाले शुद्ध सियासी आरोप तान दिए। सियासी बवाल का चढ़ावा चढ़ा तो पृथ्वीराज चव्हाण सफाई देने सामने आए। कहा, बीजेपी सरकारों में ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई गई। हमारे देश में बहुत सोना है, निजी व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्थाओं के पास। ऐसी जानकारी हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी विश्व स्वर्ण परिषद देती है। इस सोने का इस संकट काल में योग्य उपयोग हो, इसी भावना से मैंने ये सूचना की। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने यह मांग की है कि मंदिरों का सोना सरकार ने लेना चाहिए। मैं पृथ्वीराज जी से पूछना चाहूंगा, ये सोनिया गांधी जी ने आपको इस मांग को लेकर आगे बढ़ने के लिए कहा है या कांग्रेस का यह अभिमत है? कांग्रेस शासित राज्य और मुख्यमंत्री की यह डिमांड है? धार्मिक स्थलों के भंडार से देश के उद्धार की बात पहले भी उठ चुकी है, लेकिन कोरोना काल में इस मांग पर सियासत का चढ़ावा चढ़ गया है। आज तक ब्यूरो। तो पृथ्वीराज चव्हाण ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें कहा गया है कि मंदिर के ट्रस्ट को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं चव्हाण, उसके सोने पर ही उनकी क्यों नजर है। श्वेता, बिल्कुल। और यहां भी नेहा, अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये पृथ्वीराज चव्हाण ये बताए कि क्या ये सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया है, क्योंकि पृथ्वीराज चव्हाण के माध्यम से इनडायरेक्टली सोनिया गांधी और कांग्रेस पर निशाना अब बीजेपी साध रही है। जाहिर सी बात है, बैठे बिठाए बीजेपी को या फिर कह लीजिए कि एक मुद्दा दे दिया है खुद कांग्रेस ने। मीनाक्षी और श्वेता, यहां पर ये भी देखना होगा कि अभी यहां पर बयानों की शुरुआत हुई है, अब ये मामला इतनी जल्दी नहीं थमेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी मंदिरों को लेकर बयान दिया गया है, कौन सी बड़ी बात है कि अगर आने वाले दिन में बाकी पॉलिटिशियंस जो हैं मस्जिद से लेकर चर्च और बाकी जो धार्मिक समुदायों के जो बड़े स्थल हैं पूजा के इबादत के वहां तक पहुंच जाएं। लेकिन आप ये देखिए कि इमरजेंसी का माहौल है, ये ग्लोबल इमरजेंसी है और इसमें अगर विवाद
धार्मिक स्थलों को लेकर होता है तो ये वाकई अपने आप में बेहद शर्मनाक। लेकिन नेहा, यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप बिजनेस कवर करती हैं और आप देखते भी हैं इस स्पीच को, कि क्या वाकई जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने कहा, अगर उसको हम बायस्ड वे में ना देखें, तो क्या ये रीजन, मतलब ये सही आपको लगता है कि ये रीजनिंग देना या फिर इस तरह से यूज कर पाना इस समय में, क्या ये जायज बात है किसी भी तरह से? अगर पॉलिटिक्स यहाँ पर एक लाइन जो बहुत जायज पृथ्वीराज चौहान ने कही वो ये थी कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम खुद बीजेपी सरकार लाई है, ऐसे में जो मंदिर के ट्रस्ट में सोने के फॉर्म में चढ़ावा आता है, दरअसल उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कहीं पर ये नहीं कहा जाता कि इतने टन सोना आया था, उसका इस्तेमाल कहां और कैसे किया गया है, अगर ट्रस्ट के खाते गया है तो किन सोशल स्कीम्स में या फिर वेलफेयर स्कीम्स में इनको इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में जब मीनाक्षी आप कही रही हैं कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात है, कोरोना वायरस संक्रमण लगातार फैल रहा है और जिस तरीके से प्रवासी मजदूर एक एक रोटी को इस वक्त मोहताज है, ऐसे में अगर इन मंदिर के पैसों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो जायज है या फिर नहीं है, ये एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहा है और बना रहेगा। हालांकि नया ये हमें देखना होगा कि किस तरह से पैसे का इस्तेमाल होता है, इसे लेकर आगे क्या होता है। बहुत हद तक ट्रस्ट जो होते हैं, जो इस पैसे को देखते हैं, इसका पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं, उनके पाले में इस वक्त गेंद है कि वो इस पर आगे क्या क्लैरिफिकेशन या कोई स्टेटमेंट रिलीज करते हैं। लेकिन अगर आप इसे धार्मिक पहलू से देखें तो ये लोगों की बहुत कोमल भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, और अगर पॉलिटिशियंस इस तरह के बयान देते हैं और वो बयान अगर गैर जिम्मेदाराना साबित होते हैं आने वाले समय में, तो ये देश में एक अननेसेसरी असंतोष पैदा कर देते हैं। इस बात को कहने में मुझे लगता है कोई गलत नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, चलिए धार्मिक भावनाओं को अगर एक मिनट के लिए हम साइड भी करें तो, लेकिन अगर मानवता के बारे में यहाँ पर सोचा जाए तो क्या इस तरह के चढ़ावे जो होते हैं, अगर उनके लिए मानवता के लिए काम आते हैं, उपयोग होते हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे लगता है इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको बता दें कि देश में ऐसे मंदिरों की कमी नहीं है जिनके ट्रस्ट के पास अकूत संपत्ति है। लॉकडाउन से पहले मंदिरों में रोजाना भक्त दौलत बरसाते थे। बिल्कुल, और श्वेता यहाँ पर सिर्फ एक गलती जो चव्हाण ने कर दी वो ये थी कि सिर्फ मंदिरों का जिक्र किया, कई और ऐसे धार्मिक इंस्टीट्यूशन है जिनका जिक्र मीनाक्षी भी कर रही थी जहां पर अकूत चढ़ावा आता है, भक्त किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते, ऐसे में इनका इस्तेमाल कोरोना काल से बेहतर हो ही नहीं सकता। इन्हीं मंदिरों और इंस्टीट्यूशन के चढ़ावे पर अब सियासत शुरू हो गई है और देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या वाकई इसका इस्तेमाल हो पाता है या नहीं। भव्यता को समेटे केरल का तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ मंदिर। भगवान विष्णु का ये मंदिर स्थापत्य कला में अपनी भव्यता के साथ साथ अपने वैभव के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। ये देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार होता है। एक अनुमान के मुताबिक पद्मनाभ मंदिर के खजाने में 1300 टन सोना है। मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति ही 500 करोड़ रुपए की बताई जाती है। यहां 18 फुट लंबा 2.5 किलो का सोने का नेकलेस भी है। देश के सबसे अमीर मंदिरों में आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर दूसरे नंबर पर आता है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की देखरेख करने वाले ट्रस्ट के पास करीब 300 टन सोने का भंडार बताया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर का श्रृंगार ही 1000 किलो सोने से किया गया है। लॉकडाउन से पहले यहां औसतन हर रोज 60,000 श्रद्धालु आते थे। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ लड्डू बेचकर ही इस मंदिर को हर साल करीब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल जाता है। वहीं हर साल तिरुपति मंदिर को करीब 650 करोड़ रुपए का दान मिलता है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं यहाँ से कोई खाली नहीं लौटता, लेकिन दोबारा जब आता है तो मन्नत पूरी होने की खुशी में बाबा की झोली को भर देता है। हर साल यहाँ चढ़ावे की गिनती शुरू होती है तो सैकड़ों लोग कई दिन तक चढ़ावा गिनते रह जाते हैं। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिरडी के साईं ट्रस्ट के पास करीब 435 किलो स्वर्ण भंडार है, जबकि 4800 किलो चांदी। सोने के भंडार में दूसरे मंदिर भी पीछे नहीं, वैष्णो देवी के पास भी करीब 1.2 टन सोना है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के पास करीब 160 किलो सोना बताया जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास करीब 150 किलो का स्वर्ण भंडार बताया जाता है। यहां भगवान का श्रृंगार ही 208 किलो सोने के भारी भरकम जेवरात से किया गया है। केरल के गुरुवायूर में मशहूर श्री कृष्ण मंदिर में सालाना 15 किलो सोना चढ़ाया जाता है।
आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि पालघर में जिन साधुओं की मॉब लिंचिंग ने पूरे देश को झकझोर दिया था, उस पालघर में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे सहयोगी वकील दिग्विजय त्रिवेदी की मौत हो गई है। हालांकि वकील दिग्विजय त्रिवेदी सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर यह हादसा हुआ है जब उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर मीनाक्षी ये उठाया जा रहा है कि क्या ये वाकई हादसा था या फिर कोई साजिश। और दिग्विजय त्रिवेदी की मौत को लेकर यह सवाल बीजेपी ने पुरजोर उठाया है। वीएचपी की तरफ से भी यह बयान आया है कि सीबीआई जांच इस मामले की हो। आपको बता दें कि डिवाइडर से टकराने के बाद भी एडवोकेट त्रिवेदी की जो कार थी वो काफी स्पीड में थी, मूविंग थी। उस डिवाइडर में वहां पर टकराने के बाद आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्किड मार्क्स यहाँ पर बने हुए हैं। ये दो स्किड मार्क्स आपको दिखेंगे दो टायर्स के। वहां पर टकराने के बाद गाड़ी किसी तरीके से घुमाकर, स्टेयरिंग घुमाने के बाद, लेफ्ट घुमाने के बाद इस तरफ आई है गाड़ी। और यहाँ से इस तरीके से घूमने के बाद गाड़ी जो है यहाँ पर, ये जो हिल है रोड साइड में, रोड के बाहर यहाँ पर गाड़ी टकराई है। आपको बता दें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी के निशान भी हैं। मिट्टी यहाँ पर उखड़ी हुई है इस जगह पर, इस जगह पर जो आप देख सकते हैं इस जगह पर गाड़ी टकराई है। और यहीं पर और ज्यादा इंजुरी उसके बाद एडवोकेट त्रिवेदी को हुई है और उनके साथ जो उनकी एसोसिएट थी, उनकी असिस्टेंट थी, उनको हुई है। इसी जगह पर टकराने के बाद गाड़ी यहाँ पर रुक गई और उसके बाद एडवोकेट त्रिवेदी अनकॉन्शियस हो गए और स्पॉट पर ही उनकी मृत्यु हो गई। और आइए बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन की जब बात हो रही है तो अपने घरों में आप और हम सुरक्षित हैं, देश के डॉक्टर्स लेकिन मरीजों की देखभाल में जिस तरह से दिन रात एक किए हुए हैं, उनकी हालत का भी जिक्र होना बहुत जरूरी है श्वेता। बिल्कुल, और ये डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ही हैं जिन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। बिल्कुल श्वेता, और फिर भी ये डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। 24 घंटे इनकी ड्यूटी रहती है। और कोरोना काल में कैसी है डॉक्टर्स की जिंदगी, आज तक ने जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्ता है ये। दास्ता यकीनन अजीब है। कोरोना वायरस ने सब कुछ अजीबो गरीब ही तो कर रखा है। ये है डॉक्टर अंजुता देवी, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू बाल चिकित्सालय की जूनियर डॉक्टर। आप इन्हें सच्ची कोरोना वॉरियर कह लीजिए। जब से कोरोना का प्रकोप हुआ है, कोविड वार्ड, ओपीडी और इमरजेंसी के बीच ही इनकी दुनिया सिमटी हुई है। अक्सर ऐसा वक्त होता है जब चाय पीने तक की फुर्सत नहीं होती, लेकिन इस महासंकट के बीच भी जब भी अपने लिए थोड़ा वक्त मिलता है, जिंदगी के खुशनुमा रंग सामने आ जाते हैं। कोविड वार्ड में काम करना आसान नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है जब डॉक्टरों के मन में भी डर घर करने लगता है। सेकेंड टाइम जो है वो कोरोना ड्यूटी के अंदर अंदर में ही थे, तो मैंने बात किया था वो उस टाइम पे भी एसओडी के साथ, उसने सैंपल के लिए बोला, मेरा सैंपल गए, नेगेटिव भी आ गए, सैंपल जो है नेगेटिव आ गए। मैं बहुत डर गई थी उस टाइम तो, क्योंकि मैं कोरोना ड्यूटी में पेशेंट का सैंपलिंग करते थे मैं। लेकिन बाकी डॉक्टरों की तरह डॉक्टर अंजुता के लिए ये एक मिशन है। ड्यूटी लंबी हुई तो क्या, वायरस का जोखिम भी है तो क्या हुआ, कोई गिला नहीं। और मम्मी मुझे एक दिन ऐसे बताया, एक एग्जांपल लेके बोले कि आर्मी ऑफिसर, आर्मी जो है जो वार के लिए जो जाते हैं तो वार ऐसे शामिल करने के लिए ऐसे कुछ ऑर्डर देगा तो थोड़ी ना छुट्टी ले सकते हैं या काम छोड़ सकते हैं, तुम भी ऐसे ही है। डॉक्टर अंजुता मणिपुर के एक छोटे से शहर की हैं। बचपन में माँ को दिल की बीमारी से जूझते देखा, तभी से अपने मन में ठान लिया कि डॉक्टर ही बनना है। मामा हमेशा चाहती है कि मेरी बड़ी होके डॉक्टर बन जाओ ऐसे कहानी भी हो, सोने के टाइम भी हो, कुछ ऐसे हमेशा इनकरेज करते थे, तुम बच्चे हो, जब बड़ी होगी तुम डॉक्टर बनोगी।
डॉक्टरों का जीवन इन दिनों आसान नहीं, ड्यूटी से छुट्टी के बाद अपनी जरूरतें भी तो हैं। डॉक्टर अंजुता के लिए इन जिम्मेदारियों से तालमेल बिठाना बेहद मुश्किल हो रहा है। कितना टफ है अंजुता आपके लिए, क्योंकि घर में सामान कभी कभी ऐसा मन करता होगा कि अस्पताल से जो है घर सीधे जाओ सो जाओ, कुछ सामान मत खरीदो। ज्यादातर ऐसे ही फीलिंग्स आते हैं कि जब हॉस्पिटल से वापस आती हूँ तो घर जाके सो जाऊँ, सबसे पहले मैं रेस करूँ, मगर घर पे कोई नहीं है, अकेले रहती हूँ तो सब्जी लेने के लिए जाना पड़ता है या कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए या जूस लेने के लिए जाना पड़ता है मुझे, तो खुद करना पड़ता है सब कुछ। मणिपुर के छोटे से गांव से आई ये युवा डॉक्टर अपने आप इस कोरोना की लड़ाई में एक अहम योगदान दे रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। और लगातार मजदूरों की तस्वीरें आ रही है अलग अलग। कुछ मजदूर खुश नसीब है जो अपने अपने घरों को पहुंच रहे हैं, लेकिन हर कोई खुश नसीब नहीं है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की दर्दनाक तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही है जिसमें कि मजदूरों तक राहत से पहले राजनीति भी पहुंच गई है। बीजेपी का ये आरोप है कि ममता सरकार की दिलचस्पी प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने में बिल्कुल नहीं है नेहा। वहीं आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीधे तौर पर यह आरोप लगा दिया कि ममता सरकार को सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को वापस लाने की चिंता है, बाकी धर्म के लोगों को उनकी सुध नहीं ले रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जहां तक टीएमसी है वो इसमें भी एक कम्युनल एंगल देख रही है श्रमिकों को लाने में। अजमेर दरगाह से ट्रेन करके वहां से श्रमिकों को ले आती है, जो बंगाल के लोग अजमेर दरगाह में फंसे थे वहां से तत्कालीन परमिशन देके ट्रेन करके अजमेर दरगाह से लोगों को ले आती है, किंतु बाकी जो बंगाल के लोग अन्य जगहों में फंसे हुए हैं वहां से एक भी ट्रेन नहीं चलती है। और सबसे बड़ा उदाहरण है कि बंगाल के सर्वाधिक श्रमिक किसी राज्य में पूरे हिंदुस्तान में है तो वो महाराष्ट्र में है, मगर आपको जान के आश्चर्य होगा महाराष्ट्र से बंगाल ने अभी तक एक भी ट्रेन चलने की अनुमति नहीं दी है। अजमेर दरगाह के लोगों को लाया गया, कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें भी लाना चाहिए। उत्तराखंड में भी फंसे हुए बंगालियों को लेकर आना चाहिए, यह भी ममता बनर्जी का ही दायित्व है। आप ममता बनर्जी की सच्चाई को देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल ने अभी मात्र 9 ट्रेन, आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मात्र 9 ट्रेन को इजाजत दी है, परमिशन दी है वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने के लिए। कहां तो उत्तर प्रदेश में 487, कहां बिहार में 254 और वेस्ट बंगाल के कई श्रमिक अन्य राज्यों में हैं, मगर केवल 9 ट्रेनों को अभी तक परमिशन दिया गया है। आपकी जो राज्य सरकारें हैं वो अपने श्रमिकों को लाने की ट्रेन्स की, जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे। एमएचए द्वारा चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद, पीयूष गोयल रेल मंत्री के फोन करने के बावजूद, वहां से चिट्ठी जाने के बावजूद, उसके बावजूद भी ममता सरकार एक तरह से इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। ममता बनर्जी के निर्मम एटीट्यूड के कारण, उनकी निर्मम मनोवृत्ति के कारण पूरे हिंदुस्तान में बंगाल के जो श्रमिक हैं वो बहुत कुछ सह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।